बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है जुनेद भट्ट और मैं आपको अपने इस चैनल जेबी वीज़ा गाइडेंस पर वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में कि कब दुबई पाकिस्तानियों के लिए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करेगा और अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए खोलेगा। हाल ही में दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें ये ऐलान सिर्फ खास पाकिस्तानियों के लिए है, जिसमें उसने दुबई हुकूमत ने बोला है कि जल्द ही हम पाकिस्तानियों के लिए तमाम पाबंदियां ख़त्म कर देंगे। जिसमें दुबई हुकूमत ने यह दावा किया है कि हम तमाम पाबंदियाँ जल्द ही पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म कर देंगे और तमाम फ़्लाइट्स पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर देंगे। इसके अलावा दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए लाखों नौकरियों का ऐलान भी किया है, और इनके पीछे क्या कुछ वजूहात हैं और पाकिस्तानियों को क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आज की हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। दुबई हुकूमत ने यह कहा है कि इमरान खान के लिए हम दो शराइत रखते हैं, जिन पर अगर वो अमल कर लेते हैं तो हम इन तमाम पाबंदियों का खात्मा करेंगे और जल्द ही पाकिस्तान के लिए अपनी सारी फ़्लाइट्स खोल देंगे और आप इसके तलकात को पहले जैसा कर दें। तो वो कौन सी दो शराइत हैं? सबसे पहली शर्त है वो ये है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर दे। अगर तस्लीम नहीं भी कर सकता तो उसके साथ कुछ अंदरूनी मामलात, मतलब कोई हिडन ताल्लुकात रख ले या कुछ उसके साथ माहिदे कर ले। दूसरी शर्त ये है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा और इंडिया के वजीर दाखला पिछले दिनों दुबई के दौरे पर थे और दुबई ने इनको आपस के तल्लुकात को बेहतर करने के लिए बुलाया था। दुबई ने यह शर्त रखी है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएं और वो जो मसला है कश्मीर है उसको बिल्कुल भूल जाएँ, तो तब ही जाकर इनके लिए फ़्लाइट्स और दुबई के जो वीज़े हैं उनको बहाल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, यही कुछ अपडेट्स आपको देनी थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।